हाय हाय के नारे इस वक्त आप सुन रहे हैं कश्मीरी गेट पर। यहाँ पर जो है सीपीआई आयशा एसएफआई तमाम जो लेफ्ट विंग है वो यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और फिर से यहाँ पर हल्ला बोल की जो नारे हैं वो सुनाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में जो है बुलडोजर चल रहा है उसको लेकर ये आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। उनका कहना है कि गरीब लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है और राजनीति से प्रेरित होकर ये एक्शन किया जा रहा है, और इसीलिए यहाँ पर आप देखें तो तमाम यूनियन है लेफ्ट विंग के वो यहाँ पर मौजूद और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, हल्ला बोल सरकार के खिलाफ में है, क्या जो एक्शन हो रहा है वो लीगल नहीं है? बिल्कुल भी इलीगल नहीं है, ये इलीगल एक्शन है। ये मैं शाहीन बाग में जो भी बुलडोजर, जहाँ पे भी बुलडोजर चला, जो भी डेमोलिश किया गया है वो इलीगल है, क्योंकि आप ये देखें कि एक माइनॉरिटी को टारगेट करने की सरासर साजिश है, धर्म की राजनीति है, बुलडोजर की राजनीति है, जो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अगर कहीं ना कहीं इनको इलीगल लगता है और इलीगल लगने की वजह से ही यहाँ पर जो है विरोध दिखाई दे रहा है, बहुत सारे बैनर्स के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, एक यहाँ बैनर लिए हुए हैं अतिक्रमण क्रमण केवल शाहीन बाग में दिखता है, सैनिक फार्म में नहीं। मुस्लिम विरोधी बुलडोजर अनऑथराइज जगह है, वहाँ पर एमसीडी एक्शन नहीं ले रही है, लेकिन गरीबों पर लगातार एक्शन चल रहा है। इसको लेकर इनका ये आरोप लगातार है कि ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित लगती है, और इसी वजह से जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार आवाज़ें बुलंद करते हुए आगे बढ़ते हुए राजभवन की तरफ जो है प्रोटेस्ट बढ़ रहा है, और कोशिश यही है कि राज जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनसे मुलाकात करके अपनी बात रखी जाए। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ पल्लवी झा, दिल्ली News 24। तो अब विरोध भी हो रहा है, इस बुलडोजर लगातार एक्शन में है और इसका विरोध भी हो रहा है, बुलडोजर हाय हाय के नारे भी लग रहे हैं। तस्वीरें अलग अलग आप अपने स्क्रीन पर देखिए और इन तस्वीरों से समझिए कि किस तरह बुलडोजर सब कुछ उखाड़ता हुआ आगे जा रहा है और अवैध जो कब्जे हैं उस अतिक्रमण को बुलडोजर हटा रहा है।